सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक हो चुका है सबका मेरे चैनल पे। तो गाइस बहुत टाइम बाद आ चुकी है अनबॉक्सिंग, और ये है हमारी 2022 की पहली वीडियो। और हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और फुल रिव्यू देने वाला मैं हूँ वीवो Y72 5G का, जो काफ़ी अच्छा मिड बजट मिड रेंज फ़ोन आ जाता देखने को मिलता है आपको। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं उनसे पहले एक और बात कर ली जाए, रीति रिवाजों को फॉलो कर लिया जाए, सब्सक्राइब बटन दबा दो अगर नहीं दबाया, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करे बिना भी मत जाना। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये अपने पास वीवो Y72 का बॉक्स, वीवो Y72 लिखा हुआ है, 5G लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा वीवो लिखा हुआ है, और 8 GB रैम और 128 GB वाला हमारे पास है वेरिएंट। सारी जगह वीवो IPL की ब्रांडिंग है। कुछ ऐसा सरफेस है बाहर से, ऐसा आपको बॉक्स दिखता है। अब आपके बाद बात कर लेते हैं हम बैक कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। देखिए 5G बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशन है, एक्सटेंडेड रैम, 90Hz डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी, 8 GB रैम, 120 GB तो पता है, लेकिन हमने मंगवाया प्रिज्म मैजिक वाला कलर जो आपको देखने में बहुत बढ़िया लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल नंबर। और एक चीज़ आप देख के कमेंट्स में बता सकते हैं कौन सी इसमें आपको यूनिक लगी बॉक्स कंटेंट में। अब इसको खोल लेते हैं। फिर खोलने पर सीधे से एक वाइट लिड आपको देखने को मिलेगी, इस पर हल्का सा वीवो का टेक्सचर लगा हुआ है। फिर तो खोलते हैं, जैसे कि हम सबको पता है इसके अंदर भाई अपना केस होगा, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का केस है वैसे तो। और बाकी कुछ ज्ञान की बात है जो शायद हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अब बात आ जाती है गाइस फ़ोन के ऊपर। फ़ोन हमने खोल लेते हैं गाइस, बड़ा टाइट है भाई ये तो, खुल जा। एक सेकंड गाइस पॉज करके खोलता हूँ मैं इसको। तो गाइस ये खुल चुका है, वाओ। तो गाइस इन हैंड बहुत ही क्रेजी लग रहा है, मतलब पीछे पूरी ग्लास वगैरह मस्त डिज़ाइन है, अभी उसको आगे देखते हैं। अब फिलहाल बात करते हैं बैक कंपोनेंट्स, जो बाकी के कंपोनेंट्स बचे हैं। लीड हटाते ही हमें दिखता है एक चार्जर जो है 15 वोल्ट का अडैप्टर है, काफ़ी बढ़िया USB से C तक की केबल जाती है, वाइट कलर की USB to C केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है। और सबसे बढ़िया बात भाई इसके अंदर आते हैं ईयरफोन्स, और ईयरफोन्स को देख के लगता है कि फ़ोन के अंदर 3.5 mm जैक हो गई होगा, जो काफ़ी अच्छी बात है एक फ़ोन के लिए, आजकल आते नहीं है। सो गाइस सिम इजेक्टर टूल वो देखो कोने के अंदर छुप के बैठा हुआ है, ये रहा। सो गाइस ये सिम इजेक्टर टूल बिल्कुल अपने MI जैसा लग रहा है, और ये आ गए हमारे सारे पूरे कॉम्पोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे फ़ोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं सीधा अपने फ़ोन के ऊपर। तो इस फ़ोन के बैक करके देखें तो एक ग्लास बैक है, पूरा प्रिज्म मैजिक कलर है ना, वाइट कलर के बैक है, पर इस पर लाइट पड़ता था, एक रेनबो सा रिफ्लेक्ट करता है जो वाइट लाइट का रूल होता है, जिस पर मेरी शक्ल भी दे सकते हैं यो। तो इसमें दो कैमरा का सेटअप मिलता है आपको, जो है 48 MP का बढ़िया कैमरा, जो आपका मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। फ्रंट में आपको देखने को मिलता है एक 8 MP का, जिसके अंदर भी आप मेरी शक्ल देख सकते हो। नीचे है 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, USB-C केबल का पोर्ट और स्पीकर्स। ऊपर कुछ भी नहीं है, एक फ्लैट सरफेस है, साइड में सिम ट्रे टूल है, और राइट साइड के अंदर अपने पास इनबिल्ट पावर बटन पे फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ऊपर की साइड पे है आपका वॉल्यूम बटन। सो इस फ़ोन को फटाफट बूट कर लेते हैं। वाओ वीवो 5G पावर्ड बाय एंड्रॉइड। जब तक फ़ोन ना ओपन हो रहा है तो एक बार ना अपनी यार एक सिम ट्रे आपको निकाल के दिखा देते हैं। फ़ोन वैसे बड़ी काफ़ी जल्दी खुली है, काफ़ी क्विक था, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो जैसे कि मैंने इसको खोला, अच्छा, इसके अंदर गाइस इसमें 2 SIM का स्लॉट है, पर मेरे ख्याल से हाइब्रिड स्लॉट होना चाहिए था या ट्राइब्रिड होना चाहिए था, इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। वैसे तो 128 GB इनफ ही होती है मेरे ख्याल से, और इसके अंदर आपको रबर देखने को मिलेगा जो एज अ वाटर प्रूफ काम करेगा, मतलब वाटर से बचाएगा आपके सिम और मोबाइल को। तो इसका एक बार कवर डाल के देख लेते हैं। तो इस
कवर की फिटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे। और इसमें जो सिम पिन है, मतलब आजकल जो फ़ोन में आ रही है जो USB पोर्ट वाली जो पिन है, वो काफ़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है फ़ोन को। गाइस कलर तो बहुत बढ़िया लग रहा है फ़ोन का, जैसे कि आप देख रहे हो फ़ोन का कलर बहुत बढ़िया है। और 90 हर्ट्स की जो है रिफ्रेश रेट विद 1080p फुल HD डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा दिए पर बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, और मेरे को कुछ भी ऐसी लैग और प्रॉब्लम नहीं मिली। इसके अंदर आता है स्नैपड्रैगन का 480 प्रोसेसर विद फंटेस OS और एंड्रॉयड 11 पे ये बिल्ट है। मतलब स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर और बहुत ही अच्छा चल रहा है, 5G प्रोसेसर है तो काफ़ी मज़ेदार चल रहा है। इसमें एक फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये रैम एंड स्टोरेज के अंदर जाके एक एक्सटेंडेड रैम का फीचर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही है। तो 20 GB भरा हुआ है, उसका रीज़न है क्योंकि काफ़ी अनवांटेड ऐप्स हैं ये आ चुके हैं अपनी रैम। अब इसमें 3 GB रैम भर रखी है, अब इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो कर लो। अभी मेरे पास टोटल 12 GB की हो गई है। तो ये आ चुका है कैमरा, कैमरा के अंदर बहुत सारा क्लैरिटी तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है। और 48 MP का एक अलग वो है, पैनोरामा, लाइव फोटो, स्लो मो, टाइम से बहुत सारे जो इतने भी आपको नॉर्म हाई एंड फोन्स में देखते हो उसने देखने को मिल जाते हैं। तो इस फोटो खींच लेते हो गाइस, जो फोटोज़ निकल के आ रही है ना 1x 2x वगैरह पे जो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है, 4x तक जो फोटो भी जा रही है, बहुत ही अच्छी फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और इस फ्रंट कैमरा की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, आप देख सकते हो बोके। सब बढ़िया है। सो गाइस अब आती है असली बात, एक बार कर लेते हैं आवाज़ की टेस्टिंग। सब्सक्राइब मकसद को नहीं भूलना गाइस, मकसद को भूलना। और गाइस आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा तकड़ी इसके अंदर है, पर थोड़ा सा हम कमी रखेंगे बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। और ये अपना दूसरा चैनल, इसको भी सब्सक्राइब करना, ये है शॉर्ट्स चैनल। मकसद को बिल्कुल नहीं भूलना। सो गाइज ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी फ़ोन से, इससे आपको देखने को भी मिल जाएगा अच्छा बैकग्राउंड में बोके बोके अच्छा आ रहा है। वैसे अब साउंड की क्वालिटी तो आप ही बताना कैसी है इस फ़ोन की। और गाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन रिकॉर्डिंग के हिसाब से, कैमरा क्वालिटी तो इस फ़ोन की बहुत अच्छी है, जैसे कि आपने भी फोटोज वगैरह देखी होगी। सो गाइज चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, मेरे को लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होती है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।